हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं द मार्केट इंडिया। स्वागत है आपके हम यूट्यूब चैनल द मार्केट इंडिया में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं छोला फिन के बारे में। जी हाँ, छोला मंडा फाइनेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। आज मिले हैं इसमें तेजी के संकेत। जी हाँ, आज इसमें फ्राइडे जो हमारा सेशन ट्रेडिंग डे था उसमें आज इसमें तेजी के संकेत हमको दिखाई दिए और मैं आपको ट्रेड लाइन से पूरे इसके चार्ट से इस किस तरह कैंडल बनता हुआ इसमें नजर आया, कहाँ इसने सपोर्ट लिया वो भी बताने की कोशिश करें। क्योंकि लास्ट वीडियो हमने बताया था आपको कि 14 मई की 14 मई इसमें क्या करना चाहिए, वहीं से स्टॉक्स ने एक सपोर्ट लेकर ऊपर आता हुआ अब आपको दिखेगा स्टॉक्स। तो क्या करें, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, मंडे के लिए जानेंगे, इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके चार्ट पे चलते हैं, किस तरह का चार्ट बिल्डअप हो रहा है इस टाइम इसमें और मंडे के लिए इसमें किस तरह की पोजिशन हमको बना के रखनी है या और किस तरह की इसमें होल्डिंग बनाए रखनी है। सबसे पहले हम बात करूँ इसके ट्रेंड की। जो ट्रेंड जो बना हुआ है इसमें वो बहुत बेहतरीन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, जो इसने मंडे को दिखाया इसने कि किस तरह का था, देख सकते हैं। यहाँ एक 22 फरवरी की बात करूँ, मैंने ये 6 मंथ का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं 22 फरवरी को यहाँ पर एक डाउन में गया था स्टॉक्स 510 रुपये में। जी हाँ, 510 रुपये में गया और फिर ये स्टॉक्स भागा, उसके बाद ये नीचे नहीं आया। फिर ये 588 जी हाँ देख सकते हैं 588 के आसपास ये स्टॉक्स भागा था। फिर यहाँ पर फॉल आया था, फिर यहाँ फॉल हुआ 510 पर, फिर एक इसमें तेजी आई थी, फिर ये स्टॉक गया 600 पर, फिर इसमें डाउन। अब जो डाउन आया है वो एक बार फिर डाउन आया है 510 के आसपास। तो जैसे मैंने बताया था कि स्टॉक्स 510 पर गया भी था, मैं आपको इसके NSE वेबसाइट पर ले आया इसके दिखाऊंगा किस तरह कारोबार किया है वहाँ से और आपको समझ में आएगा। अभी जो प्राइजिंग है 526.72 रुपये छोला फिन की प्राइजिंग देख सकते हैं आप। तो अभी जो इसकी ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है वो जो इसमें जो फॉलिंग आनी थी, मुझे ऐसा लगता है जहाँ से मैं कैंडल समझ पा रहा हूँ कि इसमें फॉलिंग आनी थी वो फॉलिंग आ चुकी है। अब इसमें लॉन्ग बिल्टअप आपको बनता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, अब इसमें खरीदारी का मौका बन चुका है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 14 मई की भी कि अगर ये 510 रुपये का हर्डल अगर नहीं तोड़ता है, अगर ये सपोर्ट करता है फ्राइडे को, तो इसमें एक अगले ट्रेडिंग डे के लिए हमारे इसमें तेजी देखने मिली और वही हुआ। इसने सपोर्ट करा क्योंकि मार्केट भी नीचे डाउन था, बट ये स्टॉक सपोर्ट करता हुआ हमको देखा और गया और इसने अपना पूरा सपोर्ट दिया। तो अब इसमें ऐसा लगता है कि जो मंडे के लिए है उसमें अब आपको तेजी देख सकते। जी हाँ, लगभग मुझे ऐसा लगता है इसमें अगर मार्केट का मूड मॉल सही रहा तो इसमें डेफिनेटली आपको तेजी बन तो नहीं आएगी। तो पहला टारगेट अभी जो निकल कर आ रहा है वो 540 रुपये का पहला टारगेट आएगा और दूसरा टारगेट आएगा 565 रुपये का। तो दो टारगेट के लिए खरीदारी करनी है अभी। और तीसरा, अगर ये कैंडल में से आ रही तो तीसरा टारगेट आपको 600 के लेवल भी जल्दी दिखाने को मिल सकता है। जी हाँ, इसी महीने में आपको 600 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपकी इसमें पोजिशन है तो इसमें होल्ड करिए, क्योंकि कुछ लोग के क्वेश्चन भी हैं हमारे पास जो मैंने रिप्लाई कर चुका हूँ कि क्या इसमें अभी भी मौका है कि खरीदारी करें, या इसमें मैंने ऊपर लेके एक भाई का हमारा क्वेश्चन था मनराज का कि हमने इसमें 588 के लेवल बाय किया है, तो मैंने उनको होल्ड की सलाह दी है कि होल्ड कीजिए अभी। तो प्लीज़ अभी होल्ड करिए। मनराज सिंह नाम है शायद उनका, तो एक कमेंट आया था वीडियो पर हमारी। तो अभी इसमें परेशान होने के बाद में मुझे ऐसा लगता है यहाँ से इसमें एक सपोर्ट बन रहा है। इसका 500 सपोर्ट था, उस सपोर्ट को इसने बहुत अच्छे से हैंडल करा और बहुत अच्छे से इसने सपोर्ट भी दिया उस सपोर्ट को। जिस यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 510 का सपोर्ट करा, यहाँ पर भी 510 का सपोर्ट करा और अब जो फ्राइडे को सपोर्ट किया वो भी 510 सपोर्ट करा। तो ये लेवल इसके लिए बहुत मजबूत है। अगर ये लेवल अगर मार्केट मूवमोल से रहा तो ये स्टॉक भाग सकता है बहुत तेज़ी से साथ। अगर मैं इसकी कारोबार की बात करूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी कारोबार 525.20 रुपये, जी हाँ 525.20 रुपये क्लोजिंग दी है। भले इसमें तेजी 1.20 रुपये की है, कोई खास तेजी नहीं है, बट यहाँ प्राइसिंग देखिए आप, प्री क्लोज 524 रुपये और 530 पर ही ओपन हुआ, 532 स्टॉक्स गया था लगभग ये स्टॉक्स जो गया था 6-8 रुपये ऊपर जरूर चला गया था। जी हाँ, 8 रुपये के ऊपर तेजी से। ये भी मार्केट जब डाउन थी, जब ये स्टॉक्स भाग रहा था, जब की बात आ रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा इसने मूवमेंट दिखाने की कोशिश की थी, बट थोड़ा मार्केट के प्रेशर में आकर ये थोड़ी तेज़ी नहीं दिखा पाया। 513 रुपये इसका लो रहा था और क्लोज हुआ 526.75 रुपये। ट्रेड वॉल्यूम से 60,37,690 ट्रेड वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं और बाउंड्री हाई है इसका 600 रुपये 95 पैसा 30 अप्रैल को बना था, जो
ये आपको हाई आपको बनता हुआ जल्दी नजर आएगा। जी हाँ, ये 600 रुपये लेवल भी जल्दी टूटता हुआ आपको नजर आ सकता है ऊपर के लेवल में, और ये लेवल टूटा तो ये स्टॉक बहुत ऊपर भी जा सकता है। 92 लो की बात करूँ, 120 रुपये 92 के, इसकी डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ फ्राइडे की, ये देखिए किस तरह की डिलीवरी उठाएगी, 32% 32.69% की इसमें डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 33% की डिलीवरी उठाई गई है, 19,73,795 शेयर में डिलीवर उठाए गए हैं। तो किस तरह के इसमें लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको पूरे अच्छे से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये थी हमारे छोटा मंडा फाइनेंस पर धमाके देख रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, रोज़ हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, गुड बाय।